You are watching Uncensored with Hassan Sumro and tonight I have a very, very, very special guest. This uh, Insanana Ye Harfan Molai. and he is tall, fair and handsome, amazing actor, amazing model and also amazing businessman. पाकिस्तान में बड़ा नाम किया है इसने और जहाँ जाता है इसके बहुत सारे फैंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और इसकी सबसे अच्छी बात जो है आ, वो कहते हैं ना कि सक्सेसफुल आदमी वही होता है जो जिंदगी भर डाउन टू अर्थ रहे इसमें आपको ना तो कहीं गुरूर दिखेगा और ना ही आपके इसके अंदर आपको कहीं ऐसा फील होगा कि यार ये आ, बहुत बड़ा एक्टर समझता है अपने आप को और यही सबसे बड़े एक्टर की निशानी होती है तो बहुत सारी तालियों में मैं बुलाने जा रहा हूँ लवली फ्रेंड अ लवली ह्यूमन अमेजिंग पर्सन एजाज असलास की जो बात होती है ना कुछ और ही होती है बैठे आप भी बैठे शो स्टार्ट करें शो स्टार्ट करें कुछ अनसेंसर्ड बातें करें आपसे यार डर लगता है कर लें लेकिन कर ले चले फिर शुरू करते हैं Uncensored with Hassan Sumbro. All right, G, you are watching Uncensored with Hassan Sumbro, and of course, uh, Jesse, a super duper star of Pakistan. A very, I uh, tall, dark, and handsome, but he is fair, tall, fair, and handsome. Aslam, welcome to my show. Thank you. And, nice uh,

ट दी एज ऑफ फोर्टीन थर्टीन फोर्टीन बहुत फोर्टी um, टू वेस्ट होती थी नहीं यार हाँ। really? और uh, गर्दन तो नज़र ही नहीं आती थी इतनी इतना गोश्त और फैट था बट आई रियलाइज एक वो होता है ना जब लड़का ग्रो कर रहा होता है तो उसको एक रियलाइजेशन uh, होती है सेल्फ रियलाइजेशन के यार बहुत हो गई पीपल मेक फन ऑफ यू मोटे और ये आवाज़ें लगती हैं वो तो वो भुली होता था स्कूल में भी ऑब्वियसली खाता है, उसी हिसाब से था फिर सब सो वेन आई रियलाइज एट दैट पॉइंट तो बस फिर मैंने वर्कआउट शुरू किया स्पोर्ट्स में मैं ए, मोटा था लेकिन एक्टिव बहुत था okay, okay. एनर्जी वाली थी स्पोर्ट्स okay. सारे खेलता था कोई स्पोर्ट्स ऐसी नहीं है जो ए, छोड़ी हो मैंने आई तो तरह सो हाँ. so, um, हर स्पोर्ट्स खेलता था तो फिर मैंने कहा यार खेलता हूँ मैं एक्टिव हूँ सबू मसला क्या मसला ये है कि खाता बहुत और जंक खाता हूँ बर्गर okay. ये yeah, वो जो अला बला जो मतलब आपको जंक मिले आप खा जाए फ्राइड हो डीप फ्राइड हो सो so फिर जब वो एक इंसान को सेल्फ रियलाइजेशन वाला पॉइंट आता है तो बस फिर वहाँ मैंने रोका फिर अपनी हैबिट्स चेंज की और बड़ा स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया तो उस वक्त से अब तक इसलिए मेरे अंदर वो पेशेंस कंट्रोल बहुत है कि खाना मेरे सामने कुछ भी आप रखें जो मुझे खाना है मैं वही खाऊंगा या जो मेरा टाइम नहीं है उस पर मैं नहीं खाऊंगा सो so, वो उस टाइम से फिर मैंने अपने अंदर जो है ना वो उस चीज़ को एबजॉर्ब करना शुरू किया उस वर्कआउट और ये बहुत हार्ड वर्क था Okay. वजन know, आपको कम करना आपको पता है कितना मुश्किल काम है कितने भाई बहन थे तुम लोग तीन बहने भाई तो कोई भी नहीं है अच्छा तो तीनों और बस ये है कि फिर वो उस वक्त से लेके ये सारा सिलसिला तो स्कूल में तो बड़ा रिकॉर्ड लगता हो गया। बड़ी आ, वो ब, मोटे बच्चों की जैसे बुली होती होती थी उसके बाद जब मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई जब मैं चेंज होना शुरू हुआ जो उस वक्त के मेरे दोस्त थे बाद में जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़का मॉडल बन जाएगा आई आई नो नो इतना मोटा था

कॉलेज तो में कोई प्यार-व्यार हुआ नहीं नहीं कोई प्यार नहीं हुआ कॉलेज में नहीं प्यार-व्यार हुआ बस वो जो होती है ना जो स्टूडेंट लाइफ के क्रशेस होते हैं होता टीचर है, पसंद आ गई तो, ये हो गया कौन सी टीचर पसंद थी वैसे यार हमें हमारे स्कूल में एक होती थी हमारी ज्योग्राफी की टीचर तो वो सब लड़कों को ही पसंद थी हम, तो मेरे साथ भी यही था मुझे आज तक वो पसंद है मिस खुर्शीद थी हबीब स्कूल में और जब साड़ी पहन के आती थी तो शाहरुख खान वाली फिल्म देखी आपने शुषमिता वाली तो वही हाल होता था उनको देख के बस हाँ 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 तो वो बस वो एक आ, स्टेज ऐसी थी कि और फिर मैं आ, जब मैंने अपना मॉडलिंग और फिर एक्टिंग का करियर स्टार्ट किया तो अभी तो वहाँ नहीं आ रहा अभी हाँ। उसमें तो बहुत कुछ है मैं तो मैं बता रहा इन एंड आउट जानता हूँ इजाज असलम को यू नो सो आ, सब पता है मुझे इसीलिए तुम चुरियां चला रहे <laughs> नहीं अब कॉलेज कॉलेज में कोई तो कॉमर्स कॉलेज में कोई तो पसंद आई होगी नहीं पसंद तो बहुत आती थी लड़कियां हाँ। लेकिन हिम्मत कहाँ होती थी उस वक्त का टाइम जो है ना वो बहुत ज्यादा तुम्हें पता ही है कितना शाय होता था मैं अब तो नहीं रहा अब नहीं फिर मॉडलिंग और जब आप एक्टिंग कर लेते हैं तो आपकी इंटरेक्शन इतनी ज्यादा होती है लोगों से तो आपकी शाइनेस खत्म हो जाती है तो आई थिंक इस फील्ड का मुझे ये लगता है एक फायदा ये बहुत है कि आप हर वक्त नए लोगों से मिल रहे होते हैं इंटरेक्शन इतनी ज्यादा होती है आपका एक्सपोजर बहुत होता है सो तो आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा है तो स्टेज पर मैं जाता था तो मुझे वो मैं कहता जिंदगी में पहली गर्लफ्रेंड बनी तो होगी देखो पास पास है भाभी भी देख रही लेकिन कोई बात नहीं पास तो पास होता है और हर इंसान के जिंदगी से कुछ तो वो जो पहली गर्लफ्रेंड बनी थी वो तुमने अप्रोच किया था या लड़की ने अप्रोच किया था यार क्योंकि तुम तो शर्मीले थे ये आ, मेरी एक बस दोस्त बनी थी एक लड़की और वो वो नहीं उस टाइप की मोहब्बत है जो पाक मोहब्बत होती है वो बड़ी मिल भी नहीं आप सकते आप बात भी नहीं कर सकते फ़ोन मोबाइल होते नहीं थे सो so, वो बस हमारी दोस्ती हुई थी और वो ऐसी फ्रेंड सर्कल में जैसे दोस्त आए हुए थे और लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि वो मुझे ये सारी चीज़ें करने का मौका इसलिए नहीं मिला ज़्यादा कि फ़ौर ही शादी अम्मी अब्बा ने देखा जैसे ये मॉडलिंग में आया है और right. उन्होंने कहा भाई इसको इसकी शादी कर दे अच्छा तुम्हारा जो करियर शुरू हुआ रोशू मुझे अच्छी तरह याद है कादम पाशा राइट हाँ रोशो तो रोशू जो था एक ऐसा करेक्टर था जिसने एजाज असलम को मशहूर किया तो लोग बहुत सारे लोग नाम नहीं जानते थे एजाज का और ये होता है करेक्टर के नाम से जानते थे रोशू तो वो कॉलेज के टाइम पे ही था राइट है ना नहीं वो कॉलेज मैं खत्म करके बस ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन हुई थी और फिर मुझे अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन और ये सारी चीजें करने का टाइम था ख्याल तो कैसे आया था कि एक्टिंग करनी है यार हाँ? ख्याल ऐसे आया था कि मॉडलिंग ऐसे ही बस चलते फिरते ही एक जगह ऑफर हो गई किसी ने मुझे देखा उसने कहा यार मॉडलिंग करोगे तो मैंने कहा हाँ ट्राई कर लेता हूँ एक दोस्त के घर ऐड की शूट हो रही थी तो वहाँ मैं गया उसने मुझे बुलाया मेरे घर ऐड की शूट हो रही है तो माना मैं गया तो वहाँ उन्होंने वो डायरेक्टर जो था उसने मुझे देखा उसने कहा यार तुम करोगे ऐड तो वो मेरा जो दोस्त है ना उसको बड़ा मॉडलिंग का शौक था तो वो थोड़ा ना इनसिक्योर हो गया उसका मुझे ऑफर नहीं वो कर रहा ये इसको कर रहा है खैर बात ख़त्म हो गई उसके बाद मुझे वही साहब मैं एक सुपर मार्केट है वहाँ आगा तो वहाँ पर जैसे ही शॉपिंग कर रहा था तो वो बंदा मुझे मिला पंद्रह दिन के बीस दिन के बाद नहीं महीने बाद ऐसे तो उसने कहा अरे तुम आ, वापस आ गए मैंने कहा वापस कहाँ से कहा यार मैंने तो एक ऐड के लिए वो तुम्हारा दोस्त है उसको बोला था नंबर दे दे तुम्हारा उसने कहा तो अमेरिका चला गया पढ़ने के लिए तो मैंने कहा यार अच्छा फिर मैं समझ गया मैंने कहा वो इनसिक्योर हो गया आ, मैंने कहा नहीं मैं इधर ही हूँ वापस आ गया अब नहीं जाऊंगा तो उसने कहा यार एक ऐड है वो जलैट का ऐड था वो उस वक्त ना उसने कहा कि यार वो ऐड है वो करोगे तुम मैंने कहा कर ले अब उसमें उसने भी ऑडिशन दिया होता मेरे दोस्त ने वो उसको रिजेक्ट कर दिया उन्होंने मुझे सिलेक सिलेक कर, कर लिया ओ, ओ, ओ. तो अब वो उसमें तीन लड़के थे हाँ. या सिर अख्तर था मैं था और एक उनको और चाहिए था मैंने उनको हाथ जोड़े मैंने कहा उसको, उसको, कर, कर लो यारेगा वो। वो यार तुमने मुझे क्रॉस कर लिया और तो उन्होंने फिर उसको किसी तरह सम्भ अप्रूव करा लिया उसका फेस राउंड था तो वो कहने लगा यार शेविंग में राउंड फेस नहीं है मैंने कहा भाई क्रीम लगा देना यार कुछ कर लो उन्होंने फिर क्रीम व्रीम लगा के उसको वो हो गया उस वक्त अप्रूवल्स इतने मुश्किल नहीं होते थे तो खैर वो हो गया वो फिर वहाँ से मेरी वो जर्नी शुरू हुई जब वो ऐड आया तो उसके बाद फिर थोड़े अर्से के बाद एक और शेविंग क्रीम का ऐड ऑफ़र हुआ तो वो इतना पॉपुलर हुआ वो सीमी बादशाह वगैरह का तो वो हैवी बाइक और ये सब चीज़ें वो सारा ना वो एक बड़ा ज़बरदस्त इतना मशहूर हुआ मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था मतलब ऐड आता आता है ड्रामा आ रहा हो ना तो लोग आपको रिकग्नाइज़ करते हैं ऐड आता है तो लोग कहते हैं यार कौन इतना पॉपुलर मैं जब रोक रोक लेते थे और वो उस एड से इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि फिर मुझे कॉल आ गई ड्रामे की पहले मुझे रूसा ड्रामे के लिए कॉल आई बजिया okay. की तो उस वक्त मैं पढ़ रहा था तो फिर अम्मी ने बिल्कुल मना किया उन्होंने कहा बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई से ध्यान हट जाएगा इसका बिल्कुल भी नहीं सो so, वो आ, म, मना कर दिया रूसा ड्रामा फिर कुछ अर्से के बाद ऑफर हो गया दोबारा काजिम पाशा की कॉल आई कहने लगे भाई ये ड्रामा करोगे मैंने कहा अच्छा फिर मैं चला गया उनके स्टूडियो गया स्क्रिप्ट लेके घर आया अम्मी ने फिर डांटा के फिर तुम लेके आ गए हो तो मैं मना किया था ये। फिर बड़ी सोर्स वोर्स लगाई मेरे बहनोई हैं वो मेरे कज़न भी हैं तो उनसे बोल के, के यार एक करवा करवाने दें फिर मैंने जब काजिम साहब को फ़ोन किया तो काजिम साहब कहने लगे भाई हमने तो अब रख लिया किसी और को मैंने कहा अच्छा ठीक है चले नेक्स्ट टाइम मुझे पता ही नहीं था कितनी बड़ी चीज़ है वो रोशू वो ड्रामा कितनी ब्रांड चीज़ है जब फिर नेक्स्ट डे काजम साहब का दोबारा कॉल आया कहने लगे यार वो जिसको हमने रखा है ना वो कैरेक्टर में जा नहीं रहा बंदा तो तुम आओ तुम ऑडिशन हम ज़रा करें तुम्हारा एक दफ़ा और फिर हम देखते हैं मैं चला गया नेक्स्ट डे स्टूडियो जब गया तो कहने लगे बस सही है अब मैं संभाल लूँगा मैंने कहा क्या हो गया मैं कहने लगे हाँ हो गए नहीं, हो थी? नहीं वो क्योंकि वो चीज़ जो कैमरे की शाइनेस थी ना वो खत्म हो गई थी लेकिन वैसे शाइनेस थी तो मैंने कहा कैसे करूंगा मुझे तो नहीं पता काजम साहब के बस मैं बताऊँगा जैसे वैसे करते रहना मैंने देख लिया तुम कर लोगे मैंने कहा चल ऐसे तो फिर नेक्स्ट डे उन्होंने बोला भाई टीजेस पे जाओ कपड़े बन रहे हो एक डिफरेंट लाइफ शुरू हो गई ना

नहीं एक्ट्रेसेस तो सभी पसंद है <laughs> पसंद नहीं, नहीं, वो तो मुझे पता है लेकिन यार मसला क्या होता है हम लोगों के साथ तुम्हें भी पता है हमने साथ भी काम किया है हम लोगों की दोस्तियां इतनी हो जाती हैं हाँ। वो ऐसे नहीं होता जैसे लड़कों की दोस्ती आपस की में हो जाती है एंड यही मैं लोगों एक, को बताता हूं जा... एक फैमिली बन जाती है फिर आप जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है वो आप जो है ना उस उसमें नहीं जा सकते और फिर मैं तो वैसे ही शादी हो गई थी तो बस फिर शादी उसी बीच हो गई शादी तो मेरा जैसे ड्रामा आया ड्रामा हाँ। आने के बाद ही बस थोड़े अरसे के बाद क्या सिलसिला हुआ था पिक्चर देखी थी भाभी की पिक्चर मुलाकात मतलब होती है ना में मेरा आया और सिक्स में मेरी तो शादी तो शादी में कहीं मुलाकात करवाई गई फैमिली के थ्रू और वो जो एक प्रोसेस होता है उससे गुजरे रेडी फॉर मैरिज यार आए, मुझे कुछ पता ही नहीं उस वक्त इतनी यंग एज में आपकी शादी हो जाए तो आपको कुछ अंदाजा अन, नहीं होता जब शादी हो जाती है फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं तो फिर शादी आपको, के बाद ही सबको पता लगता है शादी फिर हो आपको रियलाइज होता हो मैन तो आप <laughs> कुछ हो गया कुछ हो गया तो, आप तो।, तो आप पड़ गए सर पेड़ तो शादी के बाद तुमने फिर करियर कंटिन्यू कर किया राइट तो मुश्किल की तरफ से यार नहीं भाभी की तरफ से नहीं मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था वो क्लोथिंग लाइन स्टार्ट की तो फिर मुझे उस पर बहुत टाइम देना पड़ा तो वो कुछ अरसा में रहा इन मैं मॉडलिंग करता रहता था बट एक्टिंग थोड़ा सा गैप, गैप लिया, लिया मैंने एक डेढ़ साल का और उस वक्त समझ भी नहीं आती थी क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है क्या नहीं करनी किसी डायरेक्टर को अगर आप मना कर देते थे उस वक्त कोई स्क्रिप्ट आता था तो वो इतना नाराज हो जाते थे कि वो अफेंड हो जाते थे So, आजकल वाला टाइम नहीं 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 है ना कि आप स्क्रिप्ट देखें नहीं यार ये नहीं 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 कर रहे हैं। हा, हा। उस वक्त तो आप ना कर दें तो ऐसा हो जाता था कि भाई आपने कोई गुनाह कर दिया so, मुझे इस तरह बीच में एक आधा है मुझे नहीं पता था मैं तो मॉडलिंग बैकग्राउंड से था मैंने मना कर देता था कासिम साहब को मना कर दिया कासिम साहब ये तो बकवास है बिल्कुल <laughs> मैं तो ऐसे बोल दिया ना कहने लगे क्या मतलब है क्या बकवास कर रहा हो तुम ये क्या बकवास क्या मतलब बकवास है मैंने कहा क्या है क्या इसमें कहना हमें पता होगा तुम क्या है इसमें मैंने कहा यार मैं नहीं करूँगा तो जॉबस नहीं करना तो वो नाराज़ हो गए कहा भाई सही है नहीं करना नहीं करना वो तो इस तरह जो है ना वो सीखा सीखा है भाई ये जो चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो आहिस्ता आहिस्ता कल्चर डेवलप हुआ हम लोगों ने उसको उसकी बुनियाद डाली कि भाई आप कुछ चीज नहीं समझ आती आप ना करें ना करें ये नहीं है कि जो चीज़ आ रही है तो वो पीटीवी में कल्चर यही था कि सारे जितने भी ए, लोग एक्टर बनना चाहते थे पीटीवी में एक तो एंटर होना ही बहुत बड़ी एक बात बहुत बड़ा खाब होता था कि अंदर चले जाए किसी तरह और फिर डायरेक्टर्स को सबको वो सलाम और ये वो वाला कल्चर था ना तो उसके अंदर अगर आप एक कह दें कि नहीं करना वो आप एक को मना करते थे ऐसी बात फैलती थी कि वो हाँ लेना भाई इसको नखरे नखरे बहुत इसके दिमाग और खैर हमने उसी एनवायरनमेंट उस... के अंदर सिस्टम चेंज होते हुए देखा प्राइवेट प्राइवेट चैनल चैनल आया आते ही सारे डायरेक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल उनका एटीट्यूड चेंज हो गया वही लोग फिर मोनोपोली तो बढ़ता गया, बढ़ता गया, तो है लंबा ना वो सफर, इतना लंबा सफर चला हा? तो इस सफर में किसी से व्यार हुआ नहीं यार वो कभी जहन में ही नहीं आई ये चीज़ के कभी यार कभी ये नहीं सोचा करना है फ्लट तो हम वैसे ही बातों में इतना करते हैं आ, वो बस वहीं उसी हद तक होता है लेकिन ये है कि फिर आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम का एक फोकस इतना जरूरी होता है ना कि फिर आप इस चक्रों में पड़ जाए ना हमारे साथ बहुत सारे लोग आए जो फिर वो फोकस भी भी है है अभी फोकस हटता जाता है आपका आप यार रोमांस कर लें या। या आप या आप अपने काम पे फोकस कर तो फिर वो आपके प्रोफेशन बन जाता है तो आपको कमाना भी उसी से सो so, इतना बिजी लाइफ स्टाइल हो जाता है आपका कि आप वो सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते कि भाई आप एक अलग रोमांस रुमेंट, रोमांटिक लाइफ भी चला रहे हैं साथ आप जो है काम भी कर रहे हैं तो आप फोकस कैसे करेंगे जब अगर आप डाइवर्ट हो डाइवर्ट हो जाता है तो भाभी को तुम्हारी कौन सी दो आदतें बहुत बुरी लगती यार एक तो ये जब उसको गुस्सा आता है या कुछ हो तो मैं कुछ बोलता ही नहीं हूं वो रिएक्ट ही नहीं करता है या कहता हूँ कि भाई किससे सीखा है तुमने यार खुद ही खुद ही तजर्बे से सीखा ओके तो बस, खामोश रहो जब आप बात करते हैं आर्ग्यूमेंट तो आर्ग्यूमेंट बढ़ता जाता है हाँ। सो so, एक बंदा खामोश रहे, वो खत्म हो जाता है फिजल आउट हो जाता है थोड़ी देर में तो बड़ा इरिटेटिंग होता है हाँ बर्दाश्त तो करना बड़ा मुश्किल होता है और दूसरा उसको ये होता है कि त्र, तुम ट्रस्ट कर लेते हो लोगों पे और फिर बाद में वो यार पहले मैं बहुत कर लेता था अब मैं बहुत सोच समझ मुझे अब वो होता ही नहीं कि यार मुझे लगता है कि यार ये बंदे का बस ये है अगर है तो है वो ट्रस्ट डेवलप करने में बहुत टाइम लगता।, लगता है दैट्स ट्रू अब मैंने पहले के टाइम में जो है ना अब होता था कि आप किसी ने बात की आप मान गए क्योंकि या, आपका या, दि, या, दिमाग खुद यह होता है ना कि हाँ, आपके जहन में कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है या चीटिंग आपके जहन में नहीं है आप समझते हैं अगला भी ऐसा ही है वो होता नहीं है तो टाइम के साथ आप सीखते हैं और स्ट्रीट स्मार्ट होने में ना बहुत टाइम लगता है तुम्हें भाभी की दो चीज़ें कौन सी अच्छी नहीं लगती वो अचानक मूड चेंज हो जाता है उसका मूड स्विंग मूड स्विंग कुछ याद आ रहा है मुझे मूड स्विंग ओके वो अचानक होता है वो भी कोई भी बात हो, हो तो वो पता नहीं होता ना क्या हाँ मतलब आप खुश खुश जा रहे हैं घर पता लगा जी मूड ऑफ हाँ, है क्या हुआ भाई अचानक वो होता है और फिर ये है कि वो, आ, वो प्रोटेक्टिव बहुत ज़्यादा होती है बच्चों के लिए ना हां सो so, वो मुझे थोड़ा ये होता है कि बाहर निकलना चाहिए बच्चों को yes, थोड़ा सा yes. बच्चों को ना इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है वो सीखते नहीं है Correct. वो मांएं जरा होती हैं प्रोडक्ट हाँ, हो वो, वो हर माँ के साथ यही है भाभी की दो चीजें अच्छी क्या लगती हैं तुम्हें खाना बहुत अच्छा बनाती है अच्छा और ये है कि वो मोटिवेशन रखती है मतलब पुश करती है तुम्हें घर के अंदर भी और वो सारा एक सिस्टम बच्चों को भी एक वो एक उसका वो है और वो लोगों को ना बहुत अच्छी तरह से जल्दी क्विकली पहचान ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है तुम्हारी शादी जल्दी हुई बहुत जल्दी तो बहुत सारे व्यवर्स देख रहे हैं तुम्हें तुम क्या कहोगे जल्दी शादी अच्छा है या नहीं थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए यार तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम लेना चाहिए वजह भी उसकी मैं बताता हूँ वो ये है कि जब लड़का आ, बीस इक्कीस साल बाईस साल का होता है ना तो आ, सीखा जिंदगी नहीं देखा हाँ दे, कुछ देखा नहीं होता एक्सपोजर नहीं होता चीज़ें समझ नहीं आ रही होती सो so, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ जब आपकी स्टार्ट होती है उसमें थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि उसमें आपकी मुख्तफ लोगों से इंटरेक्शन हो तो आप ना सीखते हैं चीज़ों को हैंडल करना तो वो लर्निंग जो है ना आपकी वो शादी के बाद बड़ी लिमिटेड हो, हो जाती है आपको फिर वो चीजें टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी डाइवर्जन हो जाती है थोड़ा लेट आ, करने से ना शादी लेट से मुराद ये है थोड़ा आप। ट्वेंट, ट्वेंट, येस, ट्वेंट, येस, थर्टी की एज में आप करनी थोड़ा चाहिए। आपको समझ आ जाती है आजकल तो लड़कियां भी थोड़ा लेट करती हैं वजह यही है कि वो पढ़ लें अपना करियर बना लें और उसके बाद फिर आ, कुछ सीख लें दुनिया में जॉब जब आप करते हैं कहीं आप अपना बिजनेस करते हैं तो उसमें आप लोगों की ना बहुत लोगों से मुलाकात इंटरेक्शन होती, होती है तो आपको ना हर दफ़ा कुछ नई चीज़ सीखने को मिल रही होती है तो वो जब तक आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग या वो नहीं हो ना तो आपको लोगों का नहीं पता लगता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे हैंडल करना है ये चीज़ों का बड़े फिर एक्सपीरियंस से आप जब सीखते हैं ना तो वो यू लर्न इट्स अ हार्ड वे तो अच्छे खास हैंडसम आदमी लड़कियां तो पीछे पड़ी होंगी कोई तो ऐसा वाकया कुछ याद है कोई पीछे पड़ गई हो मतलब मेरे साथ तो बहुत हुआ ऐसा। आप तो बहुत, जानते है मेरे साथ बहुत है तो कोई एक याद नाम लिए बगैर नहीं नाम तो मुझे याद भी नहीं किसी के अच्छा रैंडम होता है ना एक लेकिन तुम्हारा एक टाइम पे सुना था बड़ा फेयर चला था मिशी से कभी सवाल ही नहीं पैदा होता दोस्त वो इतनी है वो तो लड़का है तो तंग करने के लिए मैंने बोला था उसका ऐसे ही मिशी हाँ तो, तो खैर उसके साथ मैंने ड्रामे दो तीन किए हमारी दोस्ती ऐसी थी अभी भी कभी कभी होती है बात अब वो इस्लाबाद तो तो हाँ लेकिन एक जब मैंने स्टार्ट किया ना तो मेरे, मेरे स्टोर होता था जमजमा पे तुम्हें पता हाँ शॉप थी वहाँ लड़की ना कोई लेटर लिखती थी मुझे और मेरे अब्बा भी साथ बैठते थे शॉप पे तो वो जो है ना मुझे ना उसने खत लिखा कोई नौ दस पेज का वो मैंने काफ़ी अरसे संभाल के रखा था खत क्यों कहीं से आ, ऐसे अपनी से बता रहा हूँ किस वजह से संभाल के रखा था सिक्योरिटी के लिए <laughs> तो मेरे ना अब्बा को दिखाया मैं वो शॉप के अब्बा को दिखा दिया हाँ मैंने कहा भाई ये नौ पेज का उसमें शेर शायरी मोहब्बत मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगी मैं वो कर दूंगी और मैं जो है मैं जो है अगला अगर तुमने मुझे इसका जवाब नहीं दिया अगला खत मैं बहुत खर दिमाग हूँ और ये बड़ी थ्रेटनिंग चीज़ें भी लिखी हुई हैं उसमें शुरू रोमांस से हुआ मोहब्बत शायरी और उसके बाद फिर एंड में आगे अगला लेटर मैं अपने खून से लिख तो फिर खून से भी कुछ उसने नीचे, नीचे हाँ। ऐसे कर दिया अगला पूरा खत इस तरह से होगा मैं डर भी क्या मैं... मैं... मैंने मैंने अब्बा को बता दिया मैंने कहा अब्बा ये है अब्बा कहने लगे भाई ये होता है तुम उसको बस बंद करके रख दो कोई मतलब ऐसा कोई चीज होगी ना तो ये तुम्हारे पास सबूत नौ नौ आठ नौ पेज का लेटर तो मैंने काफी अरसे संभाल के रखा रहा फिर उसका आया फिर उसने खून से लिखा कुछ मैटर मैंने पसे गए ये तो आ जाएगी इधर ये तो एड्रेस पता है इसको कहने लगे जब आ जाएगी तो देखेंगे तो फिर उसके बाद एक एक और लेटर जब रिप्लाई नहीं किया तो उसको शायद लगा होगा कि मिल ही नहीं रहा इसको लेटर रहा। तो अब कहीं इधर ना हो अमेरिका में भाई तो अगर तो, <laughs> कहीं यही कहीं हो तो यही है अब तो दस बारह बच्चे हो गए होंगे उसके तो, तो बस ये एक किस्सा मुझे याद है क्योंकि बड़ा यूनिक सा ये चीज थी बाकी ये कि मैं वहाँ पार्क में रनिंग करता था वॉक करता था आंटी पार्क होता था आंटी पार्क बड़ा मशहूर आंटी पार्क है यार मेरी अम्मी भी वहाँ जाती थी लड़कियां मेरी अम्मी से दोस्ती कर लेती थी नंबर ले लेती थी फिर फोन करती थी अम्मी मुझे बोलती थी मेरी शादी नहीं हुई थी बड़ी अच्छी लड़की है वहाँ मिली थी मैंने कहा आपको आप नंबर घर का दे आ जाती हैं यार नहीं नहीं वो बड़ी अच्छी लड़की थी मैंने कहा अम्मी ऐसे नहीं होता अच्छी लड़की थी थी वहाँ कभी हाथ पकड़ लेता तो कर, लड़की आके ना वो रनिंग कर रहे होते थे मुझे आपके बात करनी है मुझे दोस्ती करनी है, करनी है। मैं तो आ तो आ तो मैं बड़ा बहुत बहुत तो घबरा जाता ना रहता था तो क्या कर रही हैं आप कई लोग देख रहे हैं यार ये क्या हो, मैं भागता था वहाँ से तो ये इस तरह के किस्से होते थे तो ये ये जो तुम्हारे अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई हाँ लड़कियों के मामले में स्पेशली लड़कियों के मामले में नहीं आई हर मामले नहीं नहीं हर मामले में आई तो इसमें क्रेडिट फैसल का भी है तुम दोनों की बड़ी पक्की वाली यारी है, नहीं? का कोई इसमें तो बहुत सारी है। <laughs> से दोस्ती बहुत है हर चीज हम डिस्कस करते हैं सारी बातें होती हैं तुम लोग की जोड़ी बड़ी है लेकिन ये क्योंकि काम इतना हमने साथ किया हमारा सिटकॉम इतना मशहूर था या? तो हमने ढाई तीन साल तो वहीं किया तो वहाँ हमारी इतनी पक्की दोस्ती गई लेकिन ये सारी चीज़ें आप वक्त के साथ एक्सपीरियंस के साथ जो लोगों से मिलते रहते हैं तो ये डेवलप होती है आपके अंदर एक सेंस खुद ही से कि यार ये सही है भाई आपने हर जो भी चीज़ हो रही है आपके साथ ज़िंदगी में उसको फेस करना है आप छुप नहीं सकते आप आपको फेस करनी है हर फेस चीज़। चीज़। तो 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 फैसल की वजह से कहीं फंसे तो नहीं तुम नहीं नहीं फैसल की वजह से कभी कभी कवर करना पड़ता था उसको कि भाई ये ये मसला हो गया ये हो गया वो सेट पे बड़ा मसला होता था हम मैं और तुम जब शूट करते थे ना फैसल उस वक्त एक बैचलर आदमी हाँ। फैसल तो भाई सो तो के ही नहीं उठता था <laughs> भाई वो सुबह तो सोता था चार हाँ। उसका एक आदत थी कि रात में फिल्म देखनी है उसको अब वो फिल्म जब देखनी शुरू करता था वो सीरीज जैसे होती है ना वो शुरू से उसको शौक था अब भी वैसे ही है तो वो सुबह तक देखता रहता देखता था, था। छह बजे वो सोता था ग्यारह बजे हमारी रिकॉर्डिंग होती थी तो कैसे और ऐसी पक्की नींद होती थी उसकी कि आप जो वो चर्च वाला बेल होता है ना वो भी मार दें उसके सर पर नहीं, नहीं उठे उठेगा हाँ। कई दफ़ा होता था मैं हर स्टूडियो पहुंच गया डिफेंस से इतनी दूर और फैसल भाई फोन ही नहीं उठा रहे फिर बंदा भेजते थे उसके घर उठाने वो के लिए। उठाने के लिए फिर उसका नौकर कहता था अब आप आ, आ जाएँ और देख लें वो सांप तो उठने हिला रहे हैं और फिर उसके फिर हमने सिस्टम लगवाया उसके घर पे उसके स्पीकर जो साउंड सिस्टम था ना उसके साथ फ़ोन को अटैच करते थे फिर वो बड़ी साउंड आती थी फ़ोन की बेल जब होती थी ला, 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 ला। पूरा घर हिल जाता था तो उससे वो उठता था तो कहता था, तो कहता था यार सुबह तो सोया हूँ सात बजे यार सुबह भाई रिकॉर्डिंग है तो वो टाइम भी था फिर उसको जब मॉर्निंग शो मिल गया तो उसका सारा रूटीन ही चेंज हो गया सुबह आठ बजे लाइव शो पे पहुंचना है फिर उसकी आदतें सारी है उससे वो सारा चेंज वहां से ही आया बस चौधरी नजाकत नजाकत बड़ा ही जबरदस्त चौधरी नजाकत एक, एक, <laughs> एक <वो फिनूम्मल laughs> कैसे कैसे बताऊँ स्क्रिप्ट जब आया ना तो मैंने पढ़ा मुझे बाबर ने दिया बाबर जावेद ने बाबर ने कहा ये स्क्रिप्ट है इसमें फैसल और तुम कॉमेडी है ये करना है मैं रमजान का प्रोजेक्ट था वो ट्रेंड बना था कि रमजान में कॉमेडी प्रोजेक्ट तो अब मैंने कहा बाबर इसमें है क्या फारिक सा कैरेक्टर है मैं नहीं कर सकता ये बाबर का तुम्हें पता वो भी पीटीवी वाला सीन था तो तो वो तो नाराज़ गालियां वे भाई तुम बना कर रहे हो तुम पता है अब मैंने कहा भाई नहीं है इसमें कुछ मुझे इसके ऊपर फोर्स मत करो मैं नहीं करूंगा ये कैरेक्टर इस ये फैसल का सीरियल है मेरे लिए इसमें कुछ, कुछ नहीं कोई बैलेंस नहीं है मेरा और फैसल का कैरेक्टर का फैसल मुझे खुद बोल रहा है क्या इसमें है क्या तो उसमें उन्होंने मुहिब को लिया फिर मैं मुझे बाबर ने मुझे कहा मैं दूसरा इसका ड्राफ्ट बनवाता हूँ वो पढ़ो तुम मुझे मुझे कॉमेडी की अच्छी खासी समझ है इतना काम किया दूसरा ड्राफ्ट आया मैंने कहा उससे भी बुरा है तीसरा आया मैंने कहा बिल्कुल ही नहीं मैं करूँगा ही नहीं ये मैंने फैसल को बोला बाबर को समझाओ फजूल में जिद ना करें मुझे नहीं करना है मेरे लिए नहीं है ये कैरेक्टर उसमें कोई है क्या बिल्कुल है वो था ही नहीं जो चीज़ें मैंने उसमें बनाई थी फिर मैं ऐसे ही बाबर के ऑफिस में बैठा हुआ था तो आमना और मुहब है मुहब को कोई फिल्म मिल गई तो महब कहने लगा यार वो बाबर से बोल रहा है कि बाबर वो यार मैं नहीं कर सकता अब पंद्रह दिन के बाद शूट है पंद्रह दिन नहीं है दस दिन के बाद शूट थी तो अबा अब बाबर परेशान वहाँ से ना बाबर मैसेज मुझे कर रहा है मैं पीछे बैठा हूँ इधर मुहब और बाबर मुझे वहाँ से यूँ कर रहा है क्योंकि फ़ोन चेक करो और कहने लगा ये तुम्हें करना ही है सीरियल मैंने कहा यार तुम बहुत ढीट आदमी हो मेरे अलावा तुम्हें कोई नजर नहीं आ रहा कहने लगा मुझे नहीं पता ये करना है मैंने कहा अच्छा ठीक है इसको भेज दो तुम उसको मैं तुमसे बात करता हूँ मेरी शर्त होगी उसके ऊपर मैं करूँगा वो कहने लगा डन मंजूर जो भी है okay. वहाँ से ये स्टार्ट हुआ सिलसिला अब हमने वो किया कहने लगा क्या है मैंने कहा जो मुझे कंसीव हो रहा है ना जो मैंने सोचा है अभी उसमें वो एक आदमी है और वो बिल्कुल अंदर से फुस है बनता बहुत है ये होगा चौधरी नज़ाकत उस और वो अलग ही कोई फ्रीक्वेंसी होगी उस आदमी की वो गोल्डन घड़ियाँ पहनेगा दो घड़ियाँ पहनेगा और वो चश्मे स्टिकर वाले पहनेगा और बहुत कलरफुल से कपड़े पहनेगा कुर्ते और ये वो कहने लगा जो करना करो मुझे नहीं पता बस करना है मैंने कहा सही है फिर मैंने उसको बोला ये ही है मैंने कुर्ते पर बनाने चुकी रेड ऑरेंज प्रिंटेड और आए नौ, आए नौ, वो सारे मैंने कहा घड़ियाँ के कपड़े के भी वो घड़िया जब आई तो मैंने कहा एक हाथ में मैं पहनूंगा एक दूसरे में दूसरी एक में मैं कहूँगा पाकिस्तान का टाइम है एक में कहूँगा चाइना का टाइम है तो वहाँ से वो आया तो उसका डायरेक्टर था इफ़ी और फिर वो चश्मे अब मुझे नहीं पता था मैंने क्या टोन रखनी है हम सेट पे पहुंच गए उस दिनों में सलमान खान के साथ हम लोग दुबई में क्रिकेट मैच खेल के आए थे हाँ। तो मेरे साथ तस्वीरें थी सलमान की मैंने कहा ये भी एक अट्रैक्शन हो जाएगी मैंने कहा ये इसको बता देते हैं सलमान खान का फैन है मैंने का, इस पिक्चर्स के ना प्रिंट निकाल के कमरे में लगाते हैं ये करते हैं वो करते हैं तो इफ़्ही कहने लगा सही है भाई आप देख लें जैसे भी है मैंने कहा यार ये कर अब वो मेकअप हो रहा है मेरा मूँछे इतनी बड़ी बड़ी वो ना लगा रहे हैं मुझे शुरू में वो मूँछे लग रही हैं मैं ऐसे ही खेल रहा था अपनी उंगलियों से यूं करके ना मेकअप हो रहा है मैं बोर

फिर मैंने कहा कि ये है चौधरी नजाकत मकना तीसरी ताकत इस तरह करके ना मैं वहाँ इसके नाम ना सब ने क्लैपिंग शुरू कर दी अब वो इसमें था ही नहीं ये मकनातीसी तीसरी ताकत मशहूर कर दो वो चौधरी जो है ना वो ऐसे करता था हर चीज़ में जो है ना वो उसमें ना हर चीज़ में मैं स्लोगन बनाता था और हर चीज़ वो स्क्रिप्ट से हट गई अब उसमें होता ये था फिर कि सारी ए एंड बी प्रोडक्शन कंपनी वाले पूरी पूरी कंपनी वो आके ना लाइव शूट देखती थी कि चौधरी ने ताकत कर, कर पता था जाता था, या। एक बहुत ही यूनिक चीज बनने वाली है तो एक्सटेम्पोर सारा हो रहा होता था, था। स्क्रिप्ट की लाइन देते थे बाद में राइटर जो थी उसकी बड़ी नाराजगी असलम ने बर्बाद कर दिया मेरा सीरियल क्या बकवास एक्टिंग की है ये वो है बाबर कहने लगा आपको पता नहीं है जब ये ऑन एयर होगा ना जब आप देखेगा उसने कहा मैंने ये लिखा ही नहीं था तो मुझे जो है ये राइटर के साथ बड़ा प्रॉब्लम होता तो उन्होंने कहा मैंने तो ये नहीं लिखा था कैरेक्टर की क्या लाइनें इसने बना दी हैं अपनी के और नज़ाकत जी का अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन तबाही और ये और वो वो हर चीज में वो बनाता था मैं कहता था ये इसका तर्जुमा करना यार जरा रक्शे में गंजी तो <laughs> कौन अचानक बोल देता था, था फैसल कहता था क्या बोल रहा है कहता आटो में टकली ऑटोमेटिकली का तर्जुमा ये हुआ रखिए मे गंजी ऑटोमेटिकली ऑटो में टकली ऑटो में वो ये इस तरह मेरे जहन ऐसा चलता था उस वक्त स्क्रिप्ट के ऊपर जब हम आते थे फिर हुआ ये कि सेकंड सीजन बाबर ने कहा स्क्रिप्ट तुम लिखवाओगे मैंने वो कोई लिख ही नहीं सकता था वो, ना, वो अंदर से आती थी एक चीज़ है मैंने कहा इसका हो ही नहीं सकता स्क्रिप्ट फिर वो होते होते दो तीन सीजन हुए फिर उन्होंने उसको चैनल वालों ने कहा कि भाई ये तो अब वीकली हो जाएगा मैंने कहा भाई मेरे ऊपर एक छाप लग जाएगी कॉमेडी की वो बड़ा मुश्किल मुझे, मुझे कुछ सीरियस काम ही नहीं मिलता था सो so, मैं बड़ा फ्रेंड हुआ मैं बाबर से कहता था मुझे भाई सीरियस काम आप अपनी कंपनी से दो वो सीरियस ऐसे एक आ ड्रामा कहता था तुम कॉमेडी यार तुम्हारा ये है वो मैंने कहा भाई मुझे सीरियस काम करना है कर ली बस एक आर्ट कोर कॉमेडी थी हो गई सीरियस से याद है मुझे चीख अच्छी है एक मेरे लिए बिल्कुल ही चेंज था आई थिंक राइट और डाइवर्जन थी बिल्कुल इतना मुश्किल कैरेक्टर था वो और उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग था मुझे थोड़े चैलेंजिंग कैरेक्टर्स करने में मजा आता है अब कैरेक्टर्स करने का वो होता है ना कि अब जाहरा अब yes. हीरो बीस साल के तो आ नहीं सकते तो अब कैरेक्टर्स होते हैं जो फिर फेमस भी होता फैसल तो कॉलेज का बंदा बन जाता है फैसल है वो तो रहेगा हमारा भाई कॉलेज का में अभी तक हाँ तो वो वो कैरेक्टर जब आया तो उसकी चीख जब स्टार्ट हुआ तो सिर्फ सात एपिसोड लिखी हुई थी तो राइटर उसकी थी जंजबी उन, उनको भी नहीं पता था आगे प्रोग्रेशन कैसे होगी चैनल ने एक पॉइंट पे मना कर दिया कि यार ये तो समझ नहीं आ रहा बहुत कंफ्यूजिंग है इसको हम नहीं करते तो फिर वो फाद मुस्तफ़ा की प्रोडक्शन हाउस का था उन्होंने फाद ने कहा कि भाई वो तंग आ गया फाद वो शूट स्टार्ट हो गई ये सब आ गए सब आ गए हम वो भी लाहौर से आ गई और चैनल कह रहा है यार अभी रोक दो शूट उन्होंने कहा भाई हम शूट कर रहे हैं आपने लेना है आप ले लीजिएगा नहीं लेना तो भाई हम बना रहे हैं फिर हम किसी और जगह दे देंगे right. फिर वो जैसे प्रोग्रेशन होती गई तो जंजबील जो है वो सेट पे रोजाना आती थी वो देखती थी हर एक्टर को okay. कि वो क्या किस स्केल तक जा रहा है क्या कर रहा है इंटरेक्शन कैसे वो तो एक इंटरेक्शन ऐसी बन गई फैमिली लग रही थी सारी पूरी नेटिंग कर दी थी ना तो वो रोज आती थी वो कोई फिफ्टीन डेज शूट पे डेली आती थी दो एक दिन छोड़ के ना तो वो सब प्रोग्रेशन देख रही थी कैरेक्टर्स की वो उस तरह से उसको लिखती गई लिखती गई तो इस

पर्सनली कौन सा अच्छा लगा यार मैंने एक ड्रामा किया था अभी तो ये रिसेंट जैसे चीख किया मैंने ये इस तरह के ड्रामे मैंने कुछ किए मुझे अच्छा मज़ा आया एक मैंने कैरेक्टर किया था एक बहुत पहले ड्रामा किया था जी पे उसका नाम था किस्मत उसमें ईमान अली थी जुहब पसंद वो एक कैरेक्टर था एक बिल्कुल साइकोटिक डॉन का कैरेक्टर उसकी शूट श्रीलंका में हुई दुबई में हुई कराची में हुई लाहौर में हुई पता नहीं कहाँ कहाँ हमने शूट नहीं की उसकी वो मेरे लिए ना एक बहुत लाइफ चेंजिंग कैरेक्टर था इन द सेंस के मेरे लिए एज एन एक्टर भी उसमें अपनी पहली दफ़ा इतना बड़ा कैरेक्टर मैं करा बहुत लार्जर देन बहुत ही ज़बरदस्त कैरेक्टर था अनफॉर्चुनेटली वो सीरियल वक्त से पहले चला बहुत अपने वो आजकल के टाइम की चीज़ थी वो म्यूज़िकल yeah. ड्रामा था फिर उस की शूट जो हम करके आए थे उसकी बहुत सारी टेप्स गुम गई तो वो मि 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 मिक्स विक्स होके ना ख़राब हो गया, हो गया। वो बहुत एक ग्रैंड स्केल पे प्रोजेक्ट चैनल की अपनी मतलब और जो फिर जो ऐसे ही हाँ, हाँ। ऐसा ही एक और प्रोजेक्ट था वो भी उसमें मैंने कैरेक्टर की इंस्पिरेशन थी अलेक्जेंडर की फैसल की अलेक्जेंडर की थी और मेरी भी इसी तरह मजनू

Has an A plus rating with the better business bureau? OneSolarSolution.com. Which solar company offers in house financing with the best rate and easy approval? OneSolarSolution.com. And which company has the best looking brand ambassador? No one else. OneSolarSolution.com. Look, I know you want solar and everybody does, but you might think it's expensive. If we can't match your electric bill with our in-house financing, we'll cut you a check or gift card for 25 bucks just for the try. Go to OneSoySolution.com today. Marine Mill Supply deals in casters and wheels since last 52 years. For more information, contact 923243 one three seven four nine two three two four two one eight two one, or you can visit our website www.mmscasters.com Residential or commercial needs, please contact Hassan Sumbro at 972 333 4801. Hassan Sumbro, Realtor at Keller Williams. Alrighty, you are watching.

नहीं तो शक्ल की बात कर रहे हो एक्टिंग की बात कर रहे हो शकल भी एक्टिंग भी सब कुछ सब को भाई वो सभा के साथ आप काम करते हैं ना सो यू लर्न ओह या बिकॉज़ वो एक तो प्रोफेशनल बहुत है काम के वक्त जो है वो इतना रेडी आती है सेट के ऊपर कि आपको तैयार होना पड़ता है आपको मतलब रेडी होना पड़ता है अपने आप ये नहीं है कि आप फोन पर लगे हुए हैं आपको स्क्रिप्ट याद नहीं है She knows her uh, character. वो बिल्कुल character में होती है उसको lines है So आप जो है वो आप फिर uh, वो नहीं कर सकते परफॉर्म बिकॉज यू हैव टू बी यू नो very professional very कॉन्फिडेंट professional very very तो वो अच्छा अगर मैं, मैं तुमसे एक सवाल करूँ थोड़ा सा rapid. है ठीक <coughs> है इन तीनों में से अच्छा एक्टर कौन है हमाय सईद Adnan सिद्दीकी फैसल कुरैशी फैसल कुरैशी राइट ओके Heroines में तीन हीरोइंस के नाम ले रहा हूँ इसमें अब सबा कमर को मैं निकाल दूंगा कि वरना तुम सबा कमर कहोगे इनमें कौन अच्छा है आपकी सबा हमीद मिशी आयशा खान आयशा खान, खान जूनियर सबा हमीद ऑब्वियसली सबा हमीद ना एक्सपीरियंस है उसका कोई शॉर्टकट नहीं है एक्सपीरियंस इंडियंस में कौन सी एक्ट्रेस पसंद यार मैं बहुत नहीं फॉलो करता है सीरियसली नहीं करता अभी तुमने मुझे गाड़ी में आते हुए नाम बताया वो तो बंदे का बता... बताया ना बंदी की बात बंदी का इंडियन कोई एक्ट्रेस कतरीना भी नहीं पसंद पहले पसंद थी <laughs> आ, अभी मैं रिसेंटली उसमें बताऊं कौन है सारा खान कैसी लगती है सही है मुझे वो अच्छी लगती है कौन प्रियंका चोपड़ा प्रियंका चोपड़ा ओके और हीरो में हीरो में सलमान भाई अपना सलमान भाई बस आमिर भाई। खान सलमान खान मतलब अभी भी तुम सलमान के फैन हो का मुझे नहीं ज्यादा पता ओके चले अब चलते हैं आपके सबसे फेवरेट राउंड पे जो कि है सच और झूठ का फैसला तो एजाज असलम ये मशीन बताएगी भाई करंट तो नहीं मारती मारती है भाई और इतने नाजुक से छोटे से हाथ है हाँ मेरे भाई के आपने हाथ देखे मशीन भी छोटी पड़ गई है ओ माई गॉड रुक जाओ एजाज असलम आप कुछ हाथ पूरी इंडस्ट्री में एजाज असलम के हाथ बहुत मशहूर है क्योंकि कानून इतने बड़े हाथ हैं इतने बड़े यार छोटा सा हाथ है पूरी मशीन ही गई तो अब चलते हैं और फैसला मशीन करेगी कितना झूठा है ये कितना सच्चा है बहुत सारी बातें तो मुझे पता है की लेकिन क्या करें एक दूसरे की बातें हैं सब झूठ सब बोल रहा हूँ पक्की बात है हाँ। तो चले चलते हैं इस सेगमेंट की तरफ Right, जी चले शुरू करते हैं एजाज असलम से कुछ बातें करते हैं और मशीन करेगी फैसला एजाज जो मैं बोलूंगा तुमने रिपीट करना है तुम्हारा कैमरा ये है रिपीट करना हाँ। है? तो फिर जो क्या? मैं बोलूंगा तो रिपीट क्या करना है? तुम बोलो जो मैं बोल रहा हूँ जो मैं बोलूंगा वो सच बोलूंगा वो सच बोलूंगा और अगर झूठ बोलूंगा और अगर झूठ बोलूंगा तो मैं खुद जिम्मेदार हूं तो मैं खुद जिम्मेदार हूँ चलो शादी से लेके अभी तक शादी से लेके अभी तक जब से शादी हुई है

वो पकड़ती है पेल्पिटेशन तो आपको पेल्पिटेशन नहीं हो रही है कुछ भी।, भी नहीं हो रहा पक्की बात है तो कुछ बातें खोलू जो मर्जी बोल लो भाई पेल्पिटेशन तो नहीं होगी कुछ नहीं हो रहा पक्की बात है पक्का तुमने और फैसल कुरैशी ने कभी मिलके डबल डेट मारी है पागल हो गया क्या <laughs> मरवा सिंगल नहीं मारी डबल की बात कर रहा है मशीन बताइए पकड़ लेगी मशीन भाई

इन्हीं से करोगे ना हाँ। कोई दूसरी नहीं चाहिए बिल्कुल भी नहीं अगले शार, जन्म में शादी जो है ना वो ऐसी औरत से करनी चाहिए तो हम इतने साल हो गए सच बोल रहा है तो भाई बंदा सच्चा है यार या। सिस्टम ऐसे ही चलता है ना फिर सिस्टम ऐसे ही हाँ है। ओके चलो जी तो मैं जरा मेरा दोस्त भी है बहुत अच्छा तो मैं जरा नहीं तो मशीन थोड़ी दोस्त है मेरी मशीन तो गलत सवाल ख्याल कर करके कभी गुस्सा तो तेज होगा तुम्हारा मुझे ड्राइविंग के वक्त बस आता है गुस्सा और okay. कोई गलत बात करे तब आता हाँ गुस्सा है गुस्सा है हाँ। कभी किसी लड़की से कभी तकरार हुई है गुस्से में लड़ाई हुई है। हाँ हुई है मुझे लेकिन याद नहीं आ रहा लेकिन हुई है ठीक ठाक हो गया याद तो, तो, तो गलत लड़की बात ऐसा हो हो नहीं सकता रहे हो। नाम बताओ यार ना, याद नहीं मुझे सही से याद नहीं आ रहा लेकिन हुई है इतना मुझे पता बोला नाम नहीं तुमने बंदा है ना इतना हुई है ऐसा नहीं है कि नहीं हुई ओके

जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ये कोई आ, सिर्फ एक्टर नहीं है, है बट इसके पास ऐसे, ऐसे फॉर्मूले है <laughs> ना तो इतने टोटके इस्तेमाल प्रोडक्ट्स निकाली है टोटकों का हाँ, है मेरी हम, हम इसका से. बड़ा मजाक उड़ाते थे, थे के कि अब ये ये वाला लगा रही होगा क्रीम कभी ये लगा रहा होगा क्रीम कभी उसको पीस रहा होगा और हमारा एक बॉयज क्लब है जिसमें हम सब ये फैसल हम सब और उसमें बड़े मज़े वजे की बातें होती हैं तो बॉयस क्लब बड़ा मशहूर है तो उसमें भी इसके फॉर्मूले जो है ना सारे ये फार्मूले दे रहे होते हैं उसमें कि अब ये करो अब ये करो ये खाओ फिर ये पिक्चर्स डाल रहे होते हैं उसमें कि ये ये खाओ सुबह ये खाओ दोपहर ये खाओ रात फिट रहो मेरा जोर ज़्यादा होता है खाने की चीज़ों पर ताकि आपके अंदर से जब हेल्थ अच्छी होती है ना तो फिर वो फेस पर रिफ्लेक्ट करना अब तुम्हारा सा मुँह छुप रहा है तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा थोड़ा सा ऐसा दांस में पकड़ो नहीं जाते नहीं पकड़ो बस ऐसे रखो चले जी आखिरी सवाल आपसे मैं करने जा रहा हूँ और जरा कुछ गड़बड़ वाला मेरा दिल कर रहा है सवाल करने का तो कर करें करें यार दोबारा मौका मिले अभी मतलब अभी भी, भी मौका मिले यार फिर वही सवाल तो तो भाभी लड़कियों के ऊपर ही क्यों सवाल कर रहा है कुछ और कर भाई अच्छा ये बताओ तुम और फैसल कुरेशी बीच में बड़ा रूमर उड़ा था ऐसा कुछ है तो नहीं ना क्या दोनों एक लड़की से नहीं नहीं गे वाला चक्कर तो नहीं अबे क्या तीन चार दिया की भी है करंट मार रही है <laughs> भाई दोनों एब्सोल्यूट नॉर्मल लोग हैं लो है। और सबको पता है ये जानबूझ के मैंने शुगल के लिए कहा था ताकि थोड़ा मजा भी आए यू नो और तो। ये मतलब हर एक को ये सवाल मतलब हो ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता ना दैट्स पॉसिबल वैसे भी पॉसिबल नहीं है चलें जी आप बचत हो गई आपकी होए होए यार बड़ा करंट मारे अच्छा ये बताओ एजाज़ टू बी ऑन सीरियस नोट एंड तुमने एज एन एक्टर मॉडल तो नाम कमा लिया माशा ये जो स्किन केयर प्रोडक्ट निकाली तुमने देट इज रियली वॉट इज इज क्या है क्या यार तुम्हें पता ही शुरू से मैं जब से मोटा था पत्ता जड़ी बूटिया यूज करता रहा है तो मैं हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो गया था जाहिर है जब आप वज़न कम करते हैं फिर मॉडलिंग में आया तो फिर आपको फिटनेस और उसके ऊपर फिर मैं हर चीज़ रिसर्च करके करता हूँ कोई चीज़ ख़रीदनी है ना तो वो भी पूरी रिसर्च कर लूँ कि यार सही है इसमें ये ये चीज़ होगी तो ये अच्छा है ये चीज़ है ये तो वो रिसर्च जब खत्म हो जाती है उसके बाद में वो करता हूँ तो इसलिए मेरे जो दोस्त होते हैं कोई चीज़ लेनी हो ना तो वो मुझसे पूछते हैं कि यार इसने लिया है तो इसने पूरी रिसर्च की होगी तो सिर्फ थक जाकर उठा लेंगे भाई ये वाला ले लो ये चीज़ ये ब्रांड ये ले लो तो आ, शौक था हेल्थ फिटनेस और वो सारी तो लोग जो जब भी मिल रहे होते हैं तो उनका एक ही मुझसे सवाल होता है यार आप क्या करते हैं यार आप कैसे फ़िटनेस देखते हैं अपनी स्किन कैसे हाँ। कर रहे होते हैं ये कर रहे होते हैं सो मेरा बस ये होता है खाना की चीज़ें अगर आप अच्छी अपनी टाइम सही रखेंगे चीज़ें सही खाएंगे हर चीज़ का एक वक्त है आपने That's उस पर right. खानी है अभी कल मेरा एक दोस्त मुझसे पूछा था यार मैं सुबह उठ के बनाना खा रहा हूँ खाली पेट दही खा रहा हूँ तो वो उस हेल्दी चीज़ें हैं लेकिन उसका टाइम गलत है एम स्टमक नहीं आप खा सकते हैं। तो इस तरह एक बड़ी साइंस होती है सारा समझा पढ़ा उसको पीएचडी so, भाई ना तो अब ये जो है ना फिर उसको मुझे एक शौक था कि मैं यार ये सारी चीज़ें जो है इनको फॉर्मुलेशन करूँ लोगों Uh, को पहुंचाऊं ताकि लोग जो हैं ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल की तरफ आएं और बहुत लोगों को ना गलत इन्फॉर्मेशन बहुत होती है और बग़ैर देखे फेस के ऊपर तो स्पेशली आप ऐसी चीज़ लगा ही नहीं सकते जो एक सबसे चीज़ ये है अहम लोगों को ये पता होना ज़रूरी कि हम अपनी बॉडी पे अपनी स्किन पे जो भी चीज़ लगाते हैं वो आपके लिवर के थ्रू प्रोसेस होकर जाती है चाहे अच्छा। परफ्यूम लगाएं चाहे आप डिओड्रेंट लगाएं इस फेस पे क्रीम लगाएं, जो भी चीज़ है वो आपकी स्किन में जाती है ब्लड में और फिर वो लिवर के थ्रू प्रोसेस होती है सो oh, really? so, इसके अंदर आप केमिकल्स भी जाते हैं तो केमिकल वाली बहुत चीज़ें यूज़ करते हैं तो मुझे ये था कि भाई लोग उनकी हेल्थ और ये लोगों को थोड़ी सी इसकी अवेयरनेस हो कि क्या चीज़ लगानी है भाई मुंह पे किस चीज़ को इस्तेमाल करना है कि अच्छे भी लगें स्किन भी सही रहे और आपकी फ़िटनेस के हवाले से फिर वो अब हमने नेक्स्ट शुरू किया जो हेल्थ सप्लीमेंट्स तो स्किन केयर से मैंने स्टार्ट किया उसमें फ़ेस वॉश हैं शैम्पू हैं फिर कुछ अच्छा ये सारी प्रोडक्ट एजाज असलम के एजाज असलम के नाम से और मेरी उसकी कोई वेबसाइट है वेबसाइट है ए आई जे एज एड एजाज एस एल एम असलम डॉट कॉम और हम इंटरनेशनल डिलीवरीज़ भी करते हैं और एमज आप देख रहे होंगे कि वेबसाइट भी लिखी हुई आ रही है की और अमेजोन पे भी हमारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और अभी हमने एक यहाँ यू की कंपनी है कि उसको डिस्ट्रीब्यूशन दिया यूएस यू और कैनेडा के लिए तो अगले चार पाँच महीनों में हमारी प्रोडक्ट्स बड़ी ईजिली पूरे यू एस कैनेडा में अवेलेबल uh, होंगी uh, मतलब मार्च अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी टू के बाद से अराउंड दैट टाइम तो uh, फिर हेल्थ uh, केयर में uh, भी ये था मुझे कि ये भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है बहुत इसमें मार्जिन है लोगों को देने के लिए तो कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स बनाए तो अभी हमने बनाई बनाइए जो कि लेमन एंड ऑलिव ऑयल क्योंकि ओलिव ऑयल सुबह के वक्त पीना या दिन में पीना वो हेल्दी फैट है वो बड़ा ज़रूरी है और पीना ऑयल बड़ा मुश्किल होता है इसको तो कैप्सूल फॉर्म में और लेमन के साथ हमने वो किया तो वो एक बड़ी सक्सेसफुल हमारी प्रोडक्ट है फिर टर्मरिक भी हमने वो ऑयल फॉर्म में टर्मरिक कैप्सूल जॉइंट्स के लिए एंटी एजिंग है एंटी इन्फ्लेट्री हैं ये सारी चीज़ें जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं मोस्टली एंटी एजिंग है हमारी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स फिर एक आजमा ऑयल मेरा अबा का फॉर्मूला था वो बचपन में मुझे याद है वो फ़ीसबीला बांटते थे, थे लोगों को बना के, और हमारे घर रश लगा रहता था लोग कहते थे यार हमारा तो क्रॉनिक आजमा था वो खत्म oh, हो गया तो वो हमने आ, उसको मैंने डेवलप किया अच्छे स्केल पे उसको बड़ी प्योरीफाइड फॉर्म में और ऑल नेचुरल उसमें सिर्फ कुछ आ, आ, हर्ब्स हैं और कुछ सीड्स हैं जिनका ऑयल है वो सिर्फ ऑयल है वो न, 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 नाक में डालना होता है ड्रॉप्स हैं और वो पंद्रह दिन की उसकी डोजेज होती है और वो आपका मैंने जब लोगों को लोगों ने यूज़ किया तो फीडबैक उसका डिफरेंट भी बड़ा अच्छा आना शुरू हुआ कि लोगों ने कहा हमारा तो साइनस में बड़ा रिलीफ मिला है कोल्ड oh, वेदर wow. में जिनको आज़मा है उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है सांस की तो वो एक नेचुरल चीज़ है कोई नुकसान है नहीं उसका कोई एक पॉइंट भी केमिकल नहीं है उसमें प्रॉपर्ली फिल्टर्ड हो होके और वो सब है तो वो एक बड़ी हमारी अच्छी सक्सेसफुल प्रोडक्ट है फिर सलाजीत एक ऐसी प्रोडक्ट uh, है जो हम बिल्कुल 100 परसेंट प्योर फॉर्म में हमने निकाली वो हमारे एक टैबू समझा जाता है कि जी ये एक सर्टन पर्पज़ के लिए सिर्फ इट्स अ मेन प्रोडक्ट इट्स नॉट इट्स अ यूनिवर्सल प्रोडक्ट इट्स फॉर वुमेन आल्सो आपके इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है आपकी स्किन के लिए अच्छी है आपके हेयर के लिए अच्छी कैप्सूल so है, ये की है। uh, नहीं ये पेस्ट फॉर्म में, होती, form है। form है। में okay. होती है उसकी एक डोजेज होती है कि वो क्वाटर uh, स्पून आप लेके उसको मिल्क में या वाटर में मिला के वो आप जस्ट ड्रिंक इट जरा सा पानी डाल के तो वो प्रोडक्ट एक यूनिक प्रोडक्ट है और प्योर फॉर्म में मिलना पाकिस्तान में वो बड़ा मुश्किल हो जाता है लोग वैसे भी बहुत सारे बीच में फेक चीज़ें भी बेच रहे होते हैं पर हमारी एक सोर्स है और आगे भी हमारे कुछ अब नए वेंचर्स हैं जिसमें मुझे सुनने में आया कुछ उड़ती 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 आई है कि अब जरा जो एजाज असलम है वो हेल्थ के साथ साथ अब ज़रा फ्रेगरेंस की तरफ भी हाँ अब हम फ्रेगरेंसेज़ पे हमने काम किया है और मैं पिछले कोई सात आठ महीने से प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लगा हुआ था तो हमने मेन वुमेन फ्रेगरेंसेज हैं कुछ वो हैं और कुछ यूनिसेक्स चीज़ें यूनिसेक्स फ्रेगरेंसेज हैं उसके ऊपर काम किया तो वो होपफुली फुली इनशाला हमने डिवेलप की हमारे फ्रेंच परफ्यूमर्स के साथ बैठ के प्रोडक्ट डिज़ाइन की है सारी मैंने खुद और लेकिन मैंने सुना है उसमें एक परफ्यूम है बड़ा अच्छा जिसका शेप बड़ा खूबसूरत है

<laughs> और आप उसको बाद में बॉटल ख़त्म होने के बाद सजा के रख सजा के रख सकते हैं यस और इसके अलावा भी जो हमारी मैन और वुमेन की जो फ्रेगरेंस हैं वो आ, कोशिश हमने ये की है कि उसकी लास्टिंग पे काफ़ी काम किया जाए तो फ्रेगरेंस थोड़ी इंटरनेशनल फील दे आपको कि लोग होता है ना कि वो देसी प्रोडक्ट है तो जी उसमें आ, वो पाउडरी सी खुशबू आती है ऐसा कुछ भी नहीं है तो बिल्कुल हमने फ्रेंच परफ्यूमर्स से डेवलप कराई हैं अपनी प्रोडक्ट्स और जो इंटरनेट जो लोग इंपोर्टेड परफ्यूम्स या बाहर जो लोग रहते हैं पाकिस्तान से वो जो इंपोर्टेड परफ्यूम्स यूज़ करते हैं सो तो उनको एक बिल्कुल कंपैरिजन में प्रोडक्ट मिलेगी सस्ते पैसों में और लास्टिंग भी अच्छी होगी ओ, ग्रेट। तो इसके ऊपर हमने मुझे कुछ सात आठ महीने लग गए डेवलप कराना बहुत मुश्किल होता है परफ्यूम्स को आपको आप, परफ्यूम जो है ना वो जो आपकी एक जो जो परफ्यूमर होता है या जो ब्रांड होता है उसकी एक पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है तो उसको oh, yes. oh, yes. oh, yes. और उसको डेवलप करना वो सारी चीज़ों एजाज तो 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 ये तो बड़ा मुश्किल काम है यार इतनी सारी चीज़ें देख रहे हो साथ एक्टिंग करियर भी और डिज़ाइनर uh, भी एंड यू नो बट आई नो हार्ड वर्किंग मुझे तो मज़ा आता है मुझे तो और भी दस मैं तो आज तुमसे और पूछ रहा था yeah. कि और काम बताओ और काम क्या बताओ राइट right. सो मुझे मुझे फिर मैं जिस चीज में कर रहा होता ना तो मैं अपनी टाइम को डिवाइड करता हूँ और मैं बैलेंस तरीके से उसको मल्टी मुझे आदत है शुरू से करने की कि मैं फिर वो सारी चीजें ना एक सीरियस तरीके से करता हूँ जब कोई काम स्टार्ट करना है अगर नहीं करना तो फिर नहीं करना करना है तो फिर उसको बिल्कुल प्रॉपर करना है ताकि उसके अंदर आप जो है अपना एक नाम बनाएं आप लोगों को उससे कुछ फायदा हो तो इस, इस तरह की चीज जो है वो करना तो मुझे तो मजा आता है यू नो मुझे तो कल काम और आजकल आ, काम आ, डिफरेंट बहुत सारे काम करना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से चीज़ें बहुत आसान हो, 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 हो गई हैं सो हमारा पी वाले ग्रुप अलग बने होते हैं शोबे वाला अलग है फिर ये बिजनेस ग्रुप्स अलग हैं तो वो सब चीजें चल रही होती हैं एक टाइम बस है कि आपका टाइम बहुत उसमें टाइम को मैनेज कर सके नहीं एजाज थैंक यू वेरी मच एक तो पूरी वन सोलर टी की टीम की तरफ से थैंक यू कि तुम आए और तुमने टाइम निकाला और तुम इस शो में आए और तुम्हारी कुछ बातें पता लगी स्पेशली तुम्हारे और फैसल की बातें पता लगी दूसरा मैं चाहूँगा कि बहुत सारे तुम्हारे फैंस हैं तैलिस में हैं बल्कि पूरे अमेरिका में हैं सो कोई एक अच्छा सा मैसेज या क्या मैसेज देना चाहोगे उनको तो प्लीज़ भाई जो मेरे आ, 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 फैंस पाकिस्तान से बाहर हैं मैं उनके लिए एक आ, बस मुझे यहाँ अगर ये फील होता है कि एक ऐसी एक, 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 चीज़ है जो हम लोग नहीं सोचते और वो ये है कि हमारी जो जनरेशन है जो यंगर जनरेशन है हमें पाकिस्तान से कनेक्शन रखना बहुत ज़रूरी है वरना ये कनेक्शन एक दो जनरेशन के बाद ख़त्म हो जाएगा सो अपनी रूट्स से अपने बच्चों को आप लोग ज़रूर कोशिश करें कि वो कनेक्ट रहें आते जाते रहें उनकी शादियाँ पाकिस्तान में कराएँ या आपकी बहू है तो वो वहाँ से लाएँ ताकि ये कनेक्शन ये फैमिली ये सिस्टम जो है ना पाकिस्तान से रूट्स आपकी मिली रहे हैं वो चलता रहे सिस्टम तो उनकी ज़िंदगी में पाकिस्तान को ज़रूर रखें बिकॉज हमारी हम सब अगर जो यहाँ पर रह रहे हैं लोग वो सब वहीं से आए हैं रूट्स वहीं हैं आपकी तो हमें अपने कल्चर अपने रिलीजन अपनी कंट्री पाकिस्तान से कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है और आगे सारी जनरेशन को चलाना है तो ये एक मुझे लगता है कि ये बड़ा ज़रूरी काम है जो हमें करना है नहीं दैट्स वेरी ट्रू और आपकी रूट्स कभी ख़त्म नहीं होती हैं और आपको पाकिस्तान ने ही पहचान दी है और वहीं पैदा हुए हैं और आप जिंदगी भर पाकिस्तानी ही कहलाएँगे तो ऑफकोर्स ये बड़ी अच्छी बात की है कि फैमिली में वो चीज रहनी चाहिए और बच्चों को भी पता होना चाहिए और आगे की जनरेशन को भी पता होना चाहिए एजाज असलम आज मैं हमेशा शो शिक्षक -शिक पे खत्म करता हूं लेकिन आज मैं चाहता हूं ये शो जो है वो चौधरी नज़ाकत खत्म करे और आप इधर देख के इधर देख के बल्कि ये आपका कैमरा है तो आप खत्म करेंगे ये शो और आप सबको बोलेंगे कीप वॉचिंग वन सोलह टीवी लेकिन चौधरी नजाकत वेरी गो कीप वन सोलर वॉचिंगीवी ये है चौधरी नजाकत मकना तीसरी ताकत कीप वॉचिंग वन सोलर समझ गए हो ना देखते रहना इस शो को समझे मेरी बात अमरीकी हो टेक केयर सी यू थैंक यू